हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है किलेट इफेक्ट। अब देखिए, किलेट इफेक्ट है, इसको हम किलेशन भी बोलते हैं। दोनों का थोड़ा सा मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है। अब देखिए, किलेट इफेक्ट क्या होता है या किलेशन क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो लिगेंड है उनका टाइप क्या है, किसके अकॉर्डिंग, डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसको हम कहते हैं एक दंतुक। अब यहाँ पर डेंटिसिटी का क्या मतलब है, या हम कह सकते हैं उसके जो डोनर एटम है वो कितने हैं, या कितने डोनर एटम एक साथ पार्टिसिपेट करें, वो हम समझते हैं आज की क्लास में। देखिए, अगर कोई लिगेंड है वो मेटल को क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब लिगेंड जो है उसमें एक डोनर एटम होगा जिससे वो क्या करता है, लोन पेयर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, जिसको हम नॉमेनक्लेचर में अमीन कहते हैं, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना क्या करेगा, मेटल को देगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो क्या है, डोनर एटम है। नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम है। ऐसे H2O है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि डोनर एटम एक है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, या हम कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। मतलब एक डोनर एटम है और एक समय पर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अब इसके हम डिफरेंट दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, तो कई बार क्या होता है, हमने उभयदंतुक पढ़े थे। उभयदंतुक में क्या होता है कि डोनर एटम तो एक से ज़्यादा है, लेकिन एक समय में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इथिलीन डायमीन। अब देखिए, इथिलीन डायमीन क्यों कहा है इसको, क्योंकि CH2, इसको हमने इथिलीन ग्रुप कहा है। क्या कहा है, इथिलीन ग्रुप, कि जब आपके CH2 दो कार्बन है और दोनों से एक एक वैलेंसी फ्री है, तो इसको हम कॉमनली इथिलीन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या करा, इथिलीन डायअमीन। अब देखिए, इथिलीन तो ग्रुप हो ही गया, ये इथिलीन हो गया। अब डायअमीन क्यों कहा हमने, क्योंकि दो NH2 जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, दो NH2। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दो NH2 हैं, तो दोनों नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। दोनों नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जब ये लोन पेयर देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दो। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, या डाइडेंटेड लिगेंड भी कह देते हैं, या हम कहते हैं द्वि दंतुक। इसका मतलब क्या है कि लिगेंड जो है उसके पास दो डोनर एटम है और वो एक समय में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि लिगेंड जो है उसको अगर हम डेंटिसिटी के आधार पर डिवाइड करें तो हम कहते हैं एक दंतुक, द्वि दंतुक, त्रि दंतुक या बहुदंतुक। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ETC। तो कहने का मतलब ये है कि डोनर एटम कितने हैं और एक समय में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक जो लिगेंड है उसमें दो डोनर एटम है और क्या कर रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं एक ही समय पे। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि अगर मेटल एक ही है, क्या है, अगर मेटल एक ही है तो ये क्या हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन का मतलब कि आपके दो सिरे थे, जैसे मान लो ये लिगेंड है और ये इसके दो सिरे हैं, अब ये दोनों सिरे एक ही जगह से जाके जुड़ जाएं, तो ये क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रिंग। तो यहाँ पर जब आपके लिगेंड में डेंटिसिटी एक से ज़्यादा हो और वो एक ही मेटल से जुड़ जाएं, तो ये आपकी रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, रिंग। इसको हम कहते हैं किलेट रिंग। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपके किलेट टर्म काम में आई है, ये आपके लैटिन भाषा से काम में आई है, या आई थिंक सॉरी जर्मन भाषा से काम आई है। इसका मतलब होता है किलोस। किलोस का मतलब होता है क्रैब। क्रैब मतलब जो केकड़ा होता है, उसके जो पंजे होते हैं, क्लॉज जो होते हैं, तो वो इसी तरह के होते हैं, वो ऐसे करके उसको पकड़ लेता है। तो वहाँ पर ये इसका जो बेसिक मीनिंग है वो आप इसको ऐसे समझो कि केकड़े के जो पंजे हैं वो, या फिर सिंपल सा मीनिंग इसको ऐसे समझो कि ये रिंग को बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं किलेट रिंग। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर डेंटिसिटी एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, किलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। अब देखिए, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड के एग्जांपल और भी हैं, जैसे ये आपके इथिलीन डायमीन था
और एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे ऑक्सेलेट, क्या ले सकते हो ऑक्सेलेट, ये आप ऑक्सेलेट जो है इसको काम में ले सकते हो, ये भी बाइडेंटेट का एग्जांपल होता है, या ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी एग्जांपल है। तो कहने का मतलब है बाइडेंटेट के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो अभी मैंने केवल आपको इथिलीन डायमीन का एग्जांपल समझाया, बाकी और भी एग्जांपल हो सकते हैं, एसिटाइल एसिटोनेट भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। अब एक मैं आपको ट्राइडेंटेट का एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। ट्राइडेंटेट का एग्जांपल जैसे हमने लिया था इथिलीन डायमीन, तो हम कह सकते हैं ट्राई इथिलीन डाइइथिलीन ट्रायमीन, इथिलीन डायमीन था तो डाइइथिलीन ट्रायमीन कैसे, अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन जो है तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जब हम मेटल जोड़ेंगे तो देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, तो आप देखेंगे कि एक रिंग तो ये हो गई और एक रिंग ये हो गई, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कितने की लेट रिंग बन गई, दो। तो एक मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं कि अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड का मतलब बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड ये सब आ जाएगा उसमें, और वो एक ही मेटल से जुड़े हुए हैं, तो वो कितनी की लेट रिंग बनाएंगे, जितनी उसकी डेंटिसिटी है उससे एक कम, मतलब मोनोडेंटेड कोई क्लेट रिंग नहीं बनाएगा, बाइडेंटेड है जो एक रिंग बनाएगा, दो में से एक माइनस कर दिया, ट्राइडेंटेड है तो तीन में से एक माइनस कर दिया, दो रिंग बना रहा है, टेट्राडेंटेड होगा तो तीन बनाएगा, पेंटाडेंटेड होगा तो चार बनाएगा, और हेक्साडेंटेड होगा तो पांच बनाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो यहां पर ये हेक्साडेंटेड है, मतलब इस लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है, छह, तो ये कितनी क्लेट रिंग बनाएगा, पांच, बात समझ आ रही है। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया है कि क्लेट इफेक्ट से पहले क्लेट रिंग कैसे बनती है। अब यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जब पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो रिंग फॉर्म करता है, क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है, जिसको हम किलेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, किलेशन। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि कितनी क्लेट रिंग बनेगी, क्या बताई, कितनी क्लेट रिंग बनेगी, तो आपने क्या देखा कि जितनी डेंटिसिटी है माइनस एक कर दो उतनी क्लेट रिंग बनेगी, मतलब इथिलीन डायमीन था, एक लिगेंड से बता रहा हूं मैं पूरे मॉलिक्यूल की नहीं बता रहा, एक लिगेंड से। अब आपने देखा कि इथिलीन डायमीन जो है वो बाइडेंटेड है तो एक क्लेट रिंग बनाएगा, डाइइथिलीन ट्रायमीन है ट्राइडेंटेड है तो दो क्लेट रिंग बनाएगा, जैसे मैंने कहा EDTA है हेक्साडेंटेड है तो कितने की लेटरिंग बनाएगा, पांच। तो देखिए दो चीज है, एक तो रिंग कितनी बन रही है वो अलग चीज है, देखिए एक लिगेंड से कितनी रिंग बन रही है वो अलग बात है, और पूरे कॉम्प्लेक्स में कितनी रिंग बन रही है वो अलग बात है। एक तो है कितनी रिंग बन रही है, दूसरा होता है कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। अभी कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है इसका हम आंसर देखने के लिए वापस एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ रही है भाई, एक तो रिंग कितनी है और एक जो रिंग बनी है उसमें कितने मेंबर्ड रिंग है, मतलब कितने एटम से रिंग बनी है। तो जैसे मैं आपको वापस से बता देता हूं, इथिलीन डायमीन तो ये हो गया CH2 CH2 NH2 और ये NH2, फिर जब आपने क्लेट रिंग बनाई तो ये आपने इस टाइप से बनाई, तो एक क्लेट रिंग दिख रही है आपको खुद को। अब जब आप देखेंगे कितने मेंबर्ड है तो आप क्या देखेंगे, एक मेटल हो गया, नंबरिंग दे देता हूं, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, मैं कितने मेंबर्ड से मिलके वो रिंग बन रही है, तो आपने क्या देखा, ये फाइव मेंबर्ड रिंग है, क्या है, फाइव मेंबर्ड रिंग। तो एक चीज जो चीज है वो कॉमन ये है कि आपके नॉर्मली फाइव और सिक्स मेंबर्ड जो रिंग होती है वो स्टेबल होती है, जनरली जो है फाइव मेंबर्ड और सिक्स मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, थ्री मेंबर्ड रिंग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है, और फोर मेंबर्ड रिंग जो है स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अपवाद स्वरूप ही बन पाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक ट्वेल्थ क्लास की स्टूडेंट ने
एक सवाल पूछा कि सर ये जो आपके लिगेंड है NH2, ठीक है, उसका सवाल ये था कि सर ये जो लिगेंड है NH2, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव नहीं करता, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, उसके बाद भी जो है ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव नहीं करता, मोनोडेंटेट की तरह करता है, उसका कारण क्या है? तो मैंने उसका कारण समझाया कि अगर मान लो एक बार को कि ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 3 मेंबर्ड रिंग जो है स्टेबल नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा क्या करता है, मोनोडेंटेट की तरह व्यवहार करता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं सल्फेट का। तो सल्फेट की जब हम बात करें अब यहां पर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कहूं कि ये इस टाइप से रिंग बना रहा है, कितने मेंबर रिंग बन गई, 4 मेंबर रिंग बन गई, तो जो 4 मेंबर रिंग होती है वो नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप जो है वो आपके बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सल्फेट है या और भी ऐसा एग्जाम्पल है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, एसीटेट है, ETC, काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो वहाँ पर वो नॉर्मल कंडीशन में तो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कई बार वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि नॉर्मल वो बिहेव क्यों नहीं करते, क्योंकि 4 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होती, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है वो कभी कभी स्टेबल हो जाती है, तो वहां पर वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। तो देखिए मैंने अभी आपको 2 चीज समझा दी, एक तो यह है कि किलेट रिंग कब बनती है, जब पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ जुड़ता है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि कितनी रिंग बना सकता है एक लिगेंड, वो उसकी डेंटिसिटी -1 हो जाएगा। तीसरी चीज हमने देखी कि कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, अगर 3 मेंबर्ड है तो वो नहीं बनाएगा, 4 मेंबर्ड है तो अपवाद स्वरूप बनाएगा, और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग नॉर्मली बन जाती है। तो जो आप बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड पढ़ते हैं वो नॉर्मली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। अब आपके होता क्या है कि किलेट रिंग बनती क्यों है, किलेट रिंग बनने से क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, ये मेन कारण है किलेट रिंग बनने का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं ऐसे एम एग्जाम्पल ले लेता हूं, अमोनिया, एक तो सिंपल ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने शो नहीं करी, ठीक है, आप चाहो तो एक्स प्लस कह सकते हो। एक तो मैंने सिंपल अमोनिया ले लिया जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक मैंने ले लिया इथिलीन डायमीन, कितने ले लिए, 3। तो आप ये देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तुलनात्मक इससे। उसका कारण क्या है कि ये जो है किलेटरिंग बना रहा है, इथिलीन डायमीन जो है एक किलेटरिंग बनाता है, तो 3 लिगेंड है तो 3 किलेटरिंग बन जाएगी। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये कि किलेटरिंग कैसे बनती है, कब बनती है, किस कंडीशन बनती है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड कोई सा, तो वहां किलेटरिंग बनती है। कब बनती है, जब आपके 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है नॉर्मल कंडीशन में, और रिंग बनने के बाद वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, इस वजह से इसको हम कहते हैं किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट का मतलब कि अगर आपके किलेट रिंग बन रही है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, इसको हम किलेट इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे रिंग ज्यादा बढ़ेगी, किलेट रिंग बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक भी किलेट रिंग नहीं है और यहां 3 है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, यहां पर। अब मैं कहूं कि एक किलेट रिंग है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज आपको मैं, हालांकि वो थोड़ी डिफरेंट है, मैं और बता देता हूँ साथ में कि आपके एक मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी होता है। क्या होता है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है अब देखिए यहां पर, और आप चेक कर लेना कि अगर कोई लिगेंड है जिसमें पहले से ही रिंग है, अगर कोई लिगेंड है जिसमें पहले से ही क्या है, रिंग है, ये मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, ये बनाता हूं, ये इस टाइप से, मतलब अब यहां पर ये जो लिगेंड है इसमें पहले से रिंग है, और अब अगर ये मेटल के साथ किलेशन करता है, तो कहने का मतलब रिंग पहले से ही थी, उसके बाद एडिशनल इसने क्या कर ली, किलेट रिंग बना दी, इसको हम कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन किलेट इफेक्ट के जैसा ही है।
तो इसकी स्टेबिलिटी सिंपल क्लेशन से भी ज़्यादा होगी। मतलब एक हमने देखा सिंपल सा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई रिंग नहीं है, दूसरा हमने देखा कि जिसमें बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड है जिसमें सिंपल रिंग बन रही है, तीसरा हमने देखा कि वो लिगेंड जो पॉलीडेंटेड भी है और जिसमें पहले से रिंग है अगर वो आपके क्लेशन करते हैं तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा होगी। तो देखिए ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस किस कंडीशन में क्लेट रिंग बनती है, कितने मेंबर्ड रिंग बनती है, कौन से मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, कौन सी नहीं होती है, और एक लिगेंड मैक्सिमम कितनी क्लेट रिंग बना सकता है, और क्लेशन होने से क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे क्लेशन बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।